रीवा नगर निगम में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा को जीत मिली है। उन्होंने 9000 वोटों से चुनाव जीता है। आपको बता दें, कांग्रेस के अजय मिश्रा बाबा शुरू से ही निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रबोध व्यास से आगे चल रहे थे। आखिर में कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की है। इससे पहले यहां भाजपा का मेयर था। अब बताया जा रहा है यह जीत कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत है, जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा को 47,987 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी प्रबोध व्यास को 37,705 वोट मिले हैं। वहीं तीसरे नंबर पर रहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक सिंह को 8,705 वोट मिले हैं। आपको बता दें, करीब 24 साल से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। देखिए, ये रीवा की जनता की जीत है। रीवा की जनता ने अपने सेवक को जिताया है, और उस सेवक को जिसने 15 साल रीवा की जनता के लिए संघर्ष किया, सड़क पे रहा, आज रीवा की जनता ने अपने सेवक को चुना है। मैं आपको बता दूं, ये जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, भ्रष्टाचार, उनके असुनियोजित विकास और फर्जी बातों की हार हुई है।